नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप आईबी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। रवि सर से नियोजित शिक्षकों को लेकर चर्चा होगी, अपडेट जानेंगे। बड़ा अपडेट सामने आया है कि नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या सच में दिवाली से पहले जो तोहफा मिलने की बात सामने आ रही है, क्या वो सपना साकार होने की ओर अग्रसर है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि अपडेट क्या है, आखिर शिक्षा विभाग कर क्या रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर क्या जानकारी सामने आ रही है सर? पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दिवाली तक खुशखबरी मिलने की पूरी उम्मीद है, बीच में अगर कोई डेवलपमेंट कुछ ऐसा वैसा नहीं होता है तो। अभी क्या जानकारी आ रही है, क्या बड़ा अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, अवकाश के बाद विभाग, अभी शिक्षा विभाग खुला है और सरकार के स्तर से ही यह विभागीय व्यवस्था की गई है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके मामले को का त्वरित निष्पादन हो। त्वरित निष्पादन की जो ऑब्जेक्शन आया है, जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, उस पर क्रमवार बिंदुवार ध्यान में रखते हुए उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो इसके लिए शिक्षा, जो जानकारी छन करके आ रही है, शिक्षा विभाग सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने जो है 3 सदस्यीय कमिटी बनाई है। बिल्कुल, 3 सदस्यीय कमिटी बनाई है, उसमें सेकेंडरी, प्राइमरी और जो है सो मध्य हायर के होंगे, हायर, हाँ, तो ये जो है सो इनको रखा गया है। इनके वरिष्ठ अधिकारी लोग जो हैं उनमें बनाया गया। नाम भी हमारे पास वैसे है, लेकिन हमको लगता है कि नाम बोलना उचित, जो जिनका नाम सामने आ गया उनका बोला जा सकता है। क्या मोहम्मद अंसारी हैं जो सेकेंडरी के, हाँ, डिप्टी डायरेक्टर हैं। इसी तरह से उस 3 सदस्यीय कमेटी में तीन सदस्य और नहीं, एक तो फिर शंकर चौधरी करके हैं, फिर एक प्राइमरी के, हाँ, प्राइमरी के, और फिर उसके बाद राकेश, इस तरह से करके शिक्षा विभाग के 3 बड़े अधिकारी हैं जिनको मोटे तौर पर यह समझा जाए कि शिक्षा विभाग की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और वही कमेटी इसको जो है सो देख रही है, देखेगी कैसे कैसे क्या क्या करना है और किन किन बिंदुओं पर जो आपत्ति आई है उसको किस तरह से उसका समाधान सॉर्ट आउट करना है, एकदम पूरी तरह से। यानी कि अपडेट नियोजित शिक्षकों के मामले में यही है कि शिक्षा विभाग या सरकार बेहद एक्टिव है और इसी एक्टिव होने की वजह से, एक्शन में आने की वजह से 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उन आपत्तियों का निष्पादन करने के लिए जो 11 से 18 अक्टूबर तक जो वेबसाइट पर शिक्षा विभाग के आपत्तियां मांगी गई थी। अब जो आपत्तियां आई हैं उसका बिंदुवार नोट डाउन होगा और ये 3 सदस्यीय कमेटी उसको शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर अपनी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार करके कि ये आपत्तियाँ आई हैं, इसमें से विशिष्ट शिक्षक के मामले में इतना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले कह ही चुके हैं कि 90% के आसपास विशिष्ट शिक्षक पर जो सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ आई है वो है कि विशिष्ट शिक्षक नाम बदला जाए। इसके अलावा सेवा समाप्त होने की भी बात सामने आ रही है कि उसको भी ख़त्म किया जाए, कि सेवा 3 मौके अधिकतम देने की बात ना हो, लेना भी हो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हालांकि दक्षता परीक्षा पात्रता परीक्षा हो चुकी है तो ज़रूरत नहीं है, लेना भी हो तो चलिए विभागीय परीक्षा ली जा सकती है, दिया जा सकता है। नहीं, नहीं, कानूनी अड़चन नहीं अगर, हाँ, इसीलिए जो है सो विभागीय परीक्षा का वो प्रावधान भी इसी तरह से, हाँ, ये और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या कुछ अधिकतम ये भी नहीं है कि आप इतनी बार असफल रहे तो फिर आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेवार अधिकारी हैं और इन्होंने बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं पहले भी। शिक्षा विभाग की ओर से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये लोग 18 तारीख के बाद ही शिक्षा विभाग ने बैठक करके इस पर एक कमेटी बनाने का ये किया था, जो कमेटी बीते दिनों जब सारे लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त थे उसी दौरान ये कमेटी एक्शन में आ गई थी और उसके बाद से धीरे धीरे अपना कार्य अंजाम दे रही थी और अब दशहरा के बाद वो काम और तीव्र गति पकड़ चुका है और बहुत तेजी से ये काम हो रहा है। अब क्या है कि ये कहाँ तक इन लोगों का काम अंजाम तक पहुंच गया है, क्या कोई डेडलाइन दी गई है कि इस समय सीमा तक निश्चित रूप से विभाग को सौंप देना है रिपोर्ट बना कर। टाइम फ्रेम दिया गया है, तैयारी वही है कि एक निश्चित अवधि में इसको हमको कर लेना है, करा देना है, यह एक निश्चित रूप से है।
लेकिन अब आप कहिएगा कि जो इतनी सारी आपत्तियां आई हैं उस पर बिंदुवार क्रमवार सबका सबको छांटना पड़ेगा, सबको छांट करके काम हो रहा है, तो आप चाहिएगा कि तुरंत माने अभी का अभी हो जाए तो वह संभव नहीं। हालांकि अभी चर्चा हो रही थी इससे पहले तो आप ही बता रहे थे कि यथाशीघ्र कहा गया है कमेटी को कि आप यथाशीघ्र रिपोर्ट दीजिए ताकि यथाशीघ्र मतलब आगे की प्रक्रिया पूरी हो, तो यानी कि जल्दी में सरकार है, देर नहीं करना चाह रही। यथाशीघ्र का मतलब कि इसको जल्दी से जल्दी, जल्दी जितनी जल्दी हो सके इसको इस काम को कर लेना है, पूरा कर लेना है। और देखिए ये कमिटी के साथ तो ये हेड ये कमिटी माने देख रही है, लेकिन इसके अंदर में भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वही जो बता रहे हैं, जो इतनी मॉनिटर कर रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे इतनी सारी जो आपत्तियां आई हैं तो उस पर जो है सो कैसे कैसे करके सॉर्ट आउट किया जाएगा। और देखिए जहां तक विशिष्ट शिक्षक वाली बात है उस पर भी देखिए कमोबेश माने जो सहमति बन गई है कि अध्यापक ही कहा जाएगा, शिक्षक अध्यापक यही होगा, इसमें कहीं को दिक्कत नहीं। देखिए सारे परेशानियों को सारे चीजों को एक एक कर बिंदुवार क्रमवार किया जा रहा है, सॉर्ट आउट किया जा रहा है, तो ऐसे में तुरंत अगर यदि सोचिएगा तो तुरंत कोई काम नहीं होता है। इतना लेंदी प्रोसेस और लंबे समय से 2006 से मामला चला आ रहा था, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, तो ऐसे में अगर आप कोई चाहेगा कि आज ही हो जाए अभी हो जाए तो यह कतई संभव नहीं है। हाँ लेकिन दिवाली तक तो उम्मीद की जा सकती है ना, जैसा हम लोग कहते आ रहे हैं कि दिवाली तक, अब तक की जो खबर है वो दिवाली तक की बात है कि दिवाली तक कोशिश है। और वैसे भी हमारी जो अधिकारियों से भी बात हुई है और उन लोगों से भी बात हुई है, आपकी भी बात हुई है, उनका यही कहना था कि यथाशीघ्र का मतलब जितनी जल्दी हो। नियमावली है, सब कुछ है, सब सारा कुछ तो ठीक। और खास बात यह है कि कोई भी फेस्टिवल जब रहता है तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल यही बात है कि दशहरा से पहले कहा जा रहा था कि दशहरा से पहले कुछ न कुछ हो जाए, लेकिन चूंकि दशहरा संपन्न हो गया है तब आने वाला फेस्टिवल कौन सा है, तो दिवाली है और छठ है। तो दिवाली में अमूमन सरकार तोहफा देती आई है, परंपरा रवायत या ट्रेंड चलता आ रहा है, तो उस समय उम्मीद की जा सकती है। हालांकि प्रक्रिया ऑनगोइंग है, तेजी से चल रही है, और ये कमेटी बेहद मतलब नियोजित शिक्षकों का अगर भला होता है तो इसमें इस कमेटी का अहम रोल रहने वाला है, चूंकि यही सारी कुछ यही कमेटी सारा फाइनलाइज करके शिक्षा विभाग या सरकार के पास जाएगी और तब सरकार उसको फाइनलाइज करके दोनों लोग बैठ करके एक डिसीजन ले लेगा, और उसके बाद हो सकता है कि जो 6 नवंबर से सत्र है उसमें सीएम नीतीश कुमार एक घोषणा भी कर दे उस रिपोर्ट के आधार पर कि ये चीजें होने वाली है, और फिर दिवाली तक नहीं वो कैबिनेट की मुहर लगेगी, उससे सब कुछ होगा, सारा कुछ व्यवस्था देखिए व्यवस्था सिस्टम नहीं, उसके बाद फिर कैबिनेट जो होगी, क्योंकि कैबिनेट तो हर मंगलवार को होती है। देखिए वो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के इतर कुछ नहीं होने जा रहा है यह बात, और हम चाहेंगे और तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं या इसके जो लोग चाह रहे हैं इस विषय को सुनना समझना, हम चाहेंगे कि इसमें जल्दबाजी न हो, एक एक कदम फूंक फूंक करके सरकार चले, सो देट कि कानूनी अड़चन फिर से न पड़े और सबको इसका लाभ मिले, जो इतने जो 4.25 लाख जो शिक्षक हैं वो उनके परिवार जो माने 4 लाख माने है तो 40 लाख समझ लीजिए, तो वह उतने लोग लाभान्वित हों, सरकार की भी मंशा वही है, हम लोग भी वही चाह रहे हैं, तमाम लोग तो उसी दिशा में सरकार भी प्रयासरत है। नहीं नियोजित शिक्षकों की आवाज़ उठाने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जन प्रतिनिधि हैं और सरकार में शामिल हैं, वैसे लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, तो सरकार मतलब उनका इशारा साफ था, संकेत साफ था कि चीजें चल रही है। देखिए हम एक बात तो और कहेंगे, जितनी बात हम लोग बता रहे हैं या जितनी जानकारी हम लोग साझा कर रहे हैं लोगों के बीच में, वह कोई हम लोग कोई अहम ज्ञानी नहीं है या हम लोग कोई ज्योत्साचार्य नहीं है, या हम लोग उन्हीं के माध्यम से नाम हम लोग नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन वो बिहार विधान परिषद में जो शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, उन लोगों से राय मशवरा करके ही, उन लोगों से जितनी बात हम लोगों को जो जानकारी मिलती है उसी बात को हम लोग साझा भी करते हैं, इसलिए हम लोगों की जानकारी पर सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। हाँ आपको अगर यदि कुछ बात पूछना हो तो वह माध्यम से जो कमेंट के जरिए भी हैं, लगातार सवाल पूछा जा रहा है और जितनी जानकारी होती है हम लोग उत्तर देने की भी कोशिश करते हैं, तो उनका भी जो इशारा था संकेत था वो यही था कि देखिए 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं अयोध्या में रामलला के मंदिर का भव्य जो उद्घाटन हो रहा है, जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है उसका उद्घाटन हो रहा है,
यानी कि कहीं ना कहीं उसके बाद चुनावी शंखनाद, चुनाव का बिगुल फूका जा सकता है, आचार संहिता की प्रक्रिया उसके बाद से लागू हो सकती है। तो जो कुछ भी होना है वो उससे पहले ही होना है। हालांकि दिवाली नवंबर में है और 22 जनवरी को वो चीज़ें हो रही है, उसमें भी बहुत गैप है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस बार जो भी होने जा रहा है वो एकदम ठोक बजा के सब कुछ, कोई किंतु परंतु ना रह जाए, उस पर जोर है। थोड़ा बहुत विलंब इसका मतलब हो भी सकता है, लेकिन अब तक की जो जानकारी है वो दिवाली तक की बात है। हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात पर समाप्त करना चाहेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तर्ज पर जब सुविधा मिलने की बात सरकार कह रही है, सरकार उस इशारा कर रही है, उस दिशा में सरकार पहल कर रही है, काम कर रही है, तो ऐसे में फिर आपको इधर उधर बाएं दाएं हुलुक बुलुक करने की जरूरत नहीं है। बस हम इतना ही कहेंगे, वो समझ लीजिए कि वह आपके सरकार आपके आपके साथ मजबूती से खड़ी है और आपके साथ है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, और सरकार भी, जैसे सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर चैलेंज दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि भाई अगर हम लोग के साथ नहीं हुआ तो फिर हम लोग चुनाव में सबक सिखा देंगे, तो सरकार भी ये चाहती है कि अगर सबक ना सिखाए तो कम से कम अगर कर देती तो फायदा भी तो दिलाए ना। तो वो वक्त कौन सा सरकार के फेवरेबल है उसका भी ध्यान रहता है, ताकि समय से पहले ना हो जाए, ताकि भूल ना जाए लोग वोटिंग के समय, और समय के बाद ना हो जाए कि उसका लाभ भी ना मिल पाए। तो दोनों एक बेहतर समय होगा, उसी समय होगा। हालांकि अब तक की जो जानकारी है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, दिवाली तक की बात है, अभी भी है और उसी दिशा में काम आगे चल रहा है। हाँ, अगर कोई अपडेट आता है इस बीच में, कुछ होता है तो भी हम आपको बताएंगे कि नहीं, दिवाली नहीं, कुछ दिन के लिए और टल सकता है। लेकिन फिलहाल वही खबर है, अपडेट यही है कि कमेटी बनी है, 3 सदस्यीय, नाम भी रवि सर ने बता दिया, वो कमेटी तेजी से काम कर रही है। उस कमेटी के अंदर भी कई सारे लोग हैं, विभाग के लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देंगे और शिक्षा विभाग इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री से राय मशवरा करके एक फाइनल टच देने की कोशिश होगी। नवंबर सत्र के दौरान, जो 6 नवंबर से शुरू होने वाला है, उसमें सीएम नीतीश कुमार इस खाका पर अपना कुछ घोषणा कर सकते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो इमीडिएट कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मुहर लगने की संभावना है और दिवाली तक उपहार यानी तोहफा मिलने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।